गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास नाइन्थ में, आज मेरी टॉपिक है डिटाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसको हमें आज पढ़ना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सेंटेंस आर ऑफ फाइव काइंड्स, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्न सूचक वाक्य। तीसरा होता है इंफिनिटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। और पांचवा होता है अफेक्टिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य। तो पहला जो मेरा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन देते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिफिनेशन भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस की डिफिनेशन है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में सिर्फ वाक्य दैट मेक्स जो बनाए ए स्टेटमेंट, एक कथन को इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, वह साधारण वाक्य कहलाता है। यानी कि ऐसा वाक्य जो कथन को कहे वह क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य होता है। जैसे ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो, ये सब असर्टिव सेंटेंस। अब दूसरा इंट्रोगेटिव है, इसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो प्रश्न पूछे वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे हो। देखिए ये जो इंट्रोगेटिव भी दो टाइप्स होते हैं, वो डब्ल्यूएच होता है और दूसरा क्या होता है प्रश्न सूचक। तो जो भी जिस भी प्रश्न सूचक वाक्य बीच में आएंगे वह क्या होगा, डब्ल्यूएच, जैसे ए है और ए क्या है प्रश्न सूचक, यानी कि जिस सेंटेंस की शुरुआत सहायक क्रिया से होती है वह प्रश्न पर आता है, जैसे ए है आर यू गोइंग टू स्कूल। अब देखिए तीसरा को देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की हिंदी होता है इच्छावाचक वाक्य, अरे आगे सूचक वाक्य, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जिसमें जो क्या हो आदेशात्मक हो, जो आदेश दे वह आदेश सूचक वाक्य कहलाता है। जैसे ब्रिंग ए बुक, ए किताब लाओ। अब चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है विस्मयादि बोधक। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि जिससे हमें भावना की जिसमें जागृति होता है वह विस्मयादि कहलाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, या सुबह कितना सुंदर है, इसमें आश्चर्य दिखाई दे रहा है। और जो लास्ट है अफेक्टिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है इच्छावाचक वाक्य। ए सेंटेंस दैट मेक्स विशेस इज कॉल्ड अफेक्टिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिससे इच्छा की जागृति हो वह कराएगा अफेक्टिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करें। मे यू गो टू हिम, तुम नर्क में जाओ, एक संख्या वाचक वाक्य है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।